अब एनी सुनो ना, आप मुझे बताओ मैं शाम में वहां जाने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई से भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, वैसी लगोगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मजा ले कोई अच्छा मशवरा दे दो तुम। देखो भाई, मैं तुम्हारी तरह इतनी फारिग नहीं हूँ कि मैं ससुराल जाने के लिए अपने सारे काम वगैरह छोड़ के इन कामों में बढ़ जाऊँ, और ना ही मुझे कोई इतना शौक है। वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शहरयार ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है। अरे भाई, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, हम गरीबों की तरह नहीं कि छोटी छोटी बातें भी मोहल्ले में जाके फैला दें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने खुद आकर हमें बताई है। तुम बड़ी तारीफें किए जा रही हो उनकी। चलो अब उठो, कपड़े निकाल कर दो, मैं प्रेस कर दूंगी। नहीं भाई, मैं तो कतई नहीं जा रही। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रही तुम? तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छी जबरदस्ती है भाई, जाना जरूरी है क्या मेरा? अपना ना सही, कम से कम मेरा ससुराल ही समझकर चली चलो। इस लड़की का ना बहुत दिमाग खराब होता जा रहा है। कल भी इसने अपनी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा करवाया था, और आज ना जाके हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है ये। अम्मी बस बहुत हो गया, लगता है मुझे ही निकालने पड़ेंगे तुम्हारे कपड़े। मुझे उल्टी सीधी कोई बहस नहीं चाहिए। समझाया करें अम्मी इसे, आप पता नहीं खुद को कहां की महारानी समझती हैं, हर वक्त नखरे। मैं नहीं जा सकती, और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। देखो यानी तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम लोग मुझे तैयार मिलो, समझी? और तुम जा रही हो हमारे साथ, तैयार करवाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अम्मी क्यों इतनी एक्साइटेड है। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो मुझे कपड़े निकाल कर दे दो। नहीं, ड्रामा भी रहता है, लेकिन ये तुम गंदे कपड़े पहन के जाओगी वहां पे? ये गंदे नहीं है, साफ है। चलो भाई तुम जाओ। सुरैया, ड्राइंग रूम की सारी डस्टिंग सही तरह से की है ना? जी बाजी। कहीं मट्टी नजर ना आए। जी बाजी। और दुर्दाना, तुम जरा जाकर किचन में देखो कुक बना क्या रहा है। पाजी, आप बिला वजह परेशान ना हो, मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ। फिर परेशानी कैसी? उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डालना है कि नहीं? आम से लोग हैं बाजी, हमारे घर की पोर्च में जब उनकी सस्ती सी गाड़ी आके खड़ी होगी ना, तो हमारी गाड़ियां देखकर उन पर इंप्रेशन वैसे ही पड़ जाना, शर्मिंदा हो जाएंगे वो लोग। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इनकार का 1% भी चांस ना रहे। आप जो झूठ बोलकर आई हैं, महरोज को कैसे बताएंगे उसके बारे में? बस एक दफा शादी हो जाने दो, बाद में एनी और महरोज को खुद ही सब पता चल जाएगा। तब तक जैसे सब चल रहा है चलने दो। वैसे वो लड़की बड़ी लावबाली सी थी, है ना? कैसे होलिये में हमारे सामने आ गई थी, जबकि उसे पता भी था कि हम उसका रिश्ता लेकर आए। मुझे भी ऐसा लगा कि वो लड़की यहाँ रिश्ता करना नहीं चाहती। मुझे तो लगता है उसका चक्कर चल रहा है कहीं। आयमा बता रही थी कि उसकी माँ किचन में लड़ रही थी उससे। अरे भाई, एक दफा शादी हो जाए, महरोज की औलाद हमें सौंप कर वो लड़की इस घर से निकल जाए बस। अच्छा जाओ ना, देखो। हाँ, सुरैया। आ जाएंगे वो लोग। किस बात की इतनी बेचैनी है? बेचैनी नहीं, परेशानी है कि अगर उन लोगों को कुछ भी पता चल गया, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। खुशी होंगे, उनकी मिडिल क्लास बेटी को इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया है। तुम किस बात पे हंस रही हो? इसने बात ही ऐसे की है, और वैसे भी पता नहीं तुम्हें उस एमल में क्या नजर आ गया जो शादी के लिए ही तैयार हो गया। तुम अपने ओपिनियंस अपने पास नहीं रख सकती? नहीं। वैसे बात गलत नहीं की इसमें, मतलब अपने घर के मेहमानों के सामने कौन इस हुलिये में आता है?
मिल जाओ तुम इनके साथ, मिल जाओ। गुड। वैसे मम्मी कहाँ है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मैं रोज भाई को तैयार करवा रही हैं। साहिर सी बात है, उनके होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं, तैयार तो होंगी ना। वो लोग आगे मेरे सीखने जा रहे हैं।